कहा जाता है कि किसी भी बीमारी से मुक्ति के लिए दुआ और दवा दोनों की जरूरत होती है। कोरोना महामारी से बचाव हेतु देश में वैक्सीनेशन अभियान जोरों से शुरू है। मुंबई के सामाजिक संस्था द्वारिका माई ने दवा के साथ आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा सामूहिक शंखनाद करवाया, क्षेत्र के सकारात्मक वातावरण से निर्मित कर दी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष गौरी शंकर चौबे ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर दक्षिणा के रूप में सैकड़ों ब्राह्मणों को महीने भर का राशन एवं अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री संस्था की ओर से दी गई। जी, मैं भी इस बात को मानता हूँ। आपको ही पता है, WHO ने भी बोल दिया है कि इस हवा में भी कोरोना फैल चुका है, और इसका एक ही कारण है, आप जितना भी शंखनाद कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, घंटियाँ बजा सकते हैं, उसकी वजह से ही जाएगा। तो हवा में जो प्रदूषण है वो ख़त्म हो सकता है। हम लोग ने उसी लिए एक शंखनाद कराया है कि हो सकता है कोरोना ख़त्म हो जाए, कम से कम इस वातावरण में तो ना फैले। देखिए, कैसा है कि यही एक राइट टाइम है। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले राम जन्मभूमि पे लोगों ने कुछ ना कुछ अपने साइड से दिया था। एक ही टाइम आएगा, ऐसा एक समय आएगा, ये महामारी फिर से नहीं आने वाली है। हो सकता है हमारे बच्चे चाह के भी ऐसे मदद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टाइम के बाद आता है। ये मेरा सौभाग्य इस समय कि मैं कर पा रहा हूँ, और जो आम पब्लिक जहाँ भी है, जितनी हो सकती है उतनी उसको करनी चाहिए। आज जो राशन वितरण किया गया, कितने लोगों को दिया गया है? देखिए, हमारा टारगेट है, हम ध्यान देते हैं राशन का, उसमें वो सब सामान जो लोगों की जरूरत, लोगों के लिए हेल्प। जी देखिए, कैसा है कि मैं हमेशा जहाँ से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि किस आदमी को क्या चाहिए। जैसे ये ब्राह्मण, बुजुर्ग ब्राह्मण है, मैंने राशनिंग के साथ साथ उन्हें एक वेपराइजेशन मशीन दिया है कि वो घर बैठ के भाप ले सके। पता नहीं आज रॉकेल कितना महंगा है, आपको जानते हैं, गैस भी महंगा हो चुका है, कम से कम वो भाप ले पाएंगे। वो मशीन हमने दिया हुआ है, प्रॉपर अनाज का किट दिया, उसके साथ साथ दक्षिणा दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान दिया गया है। तो आगे भी इस तरह से आपकी जो हेल्प है, जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, इस तरह से जारी रहेगा? अवश्य, हमेशा जारी रहेगा। जब तक मैं हूँ इस सृष्टि पे, तब तक तो मैं करता रहूँगा। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे संकलन किया गया, उसके साथ ही गौरी शंकर जी के द्वारा जो ये लोगों को अनाज वितरित किया गया, ये कितना अच्छा कदम है इस महामारी के लिए? भाई, कितना भी इस खुशी का जिज्ञासु किया जाए, फिर भी कम हो। इस कोरोना महामारी में द्वारिका माई ट्रस्ट के जो अध्यक्ष माननीय परमा दाड़ी हमारे गौरी शंकर चौबे जी हैं, और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी हैं, महिला मंडल प्रदेश अध्यक्ष ज्योति शाह जी, मैं इन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो हमारे वार्ड क्रमांक 39 में कर्मकांडी जितने भी ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा सबको निवेदन करके इन्होंने हमको दायित्व दिया कि आपके वार्ड में जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनसे आप संपर्क करके, क्योंकि पूजा पाठ इस कोरोना महामारी बंद है, उनके परिवार का कुछ भी हमसे जो मदद हो सकता है, हम उन ब्राह्मणों के लिए करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। तो ऐसा विचार लिया, मैंने अपने नगर में आया, हमारे मित्र राजकुमार मिश्रा जी हैं, और हरिओम भाई जी हैं, और अपना रामजीत शर्मा जी हैं, लक्ष्मीकांत पांडे जी, रंजीत सिंह, तमाम जो हमारे ग्रुप के हैं, सबसे बात किया, और सर जी का ऐसा आदेश है, हमारे टीम के अध्यक्ष का, सब बड़े खुश, इनके आदेश का पालन भगवान जैसे, चूंकि भगवान का एक दूसरा रूप, भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहे ऐसे। और हमारा ही नहीं, आज जितने भी ब्राह्मण, 51 ब्राह्मणों का जो अनुष्ठान कराया है इस भगवान परशुराम चौक पे, उसके लिए हमारा वार्ड क्रमांक 39 की तरफ से ये इस नगर के जितने भी जनता जनार्दन है, सबकी जो है तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।